गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज पुनः क्लास फाइव में मैथ के साथ मैं रवि प्रकाश प्रजापति। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 में सबसे पहले कुछ परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे, जैसे गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो आइए प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं गुणज। गुणज वह संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतया विभाज्य होती है, दी हुई संख्या का एक गुणज कहलाती है। गुणज यानी वह संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतया विभाज्य, पूर्णतया विभाज्य का मतलब पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, पूरा पूरा कट जाती है, दी हुई संख्या का एक गुणज कहलाती है। वह दी हुई संख्या का एक गुणज कहलाती है। गुणज में किसी भी संख्या का गुणज निकालने के लिए, जैसे नोट, किसी संख्या के गुणज उस संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे आदि की गुणा करने पर प्राप्त होती है। यानी किसी भी संख्या का गुणज निकालना हो तो उस संख्या में 1 से गुणा कर दें तो 1 गुणज प्राप्त हो जाएगा, फिर उसमें 2 से गुणा कर दें तो 2 गुणज, 3 से गुणा कर दें तो 3 गुणज, 4 से गुणा कर दें तो 4 गुणज। यानी जितना भी गुणज निकालना होगा उस संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे गुणा कर देंगे तो प्राप्त संख्या वो आपका गुणज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 25 के प्रथम 3 गुणज निकालना है, यानी 25 का प्रथम 3 गुणज निकालना है तो 3 ही गुणज निकालना है, इसलिए 1 से शुरू करेंगे तो 25 गुणे 1 बराबर 25, फिर दूसरा 25 गुणे 2 बराबर 50, फिर 25 गुणे 3 बराबर 75। ये 3 गुणज हो गया, 3 ही गुणज निकालना था तो 25 गुणे 1 25 गुणे 2 25 गुणे 3। यदि प्रथम 6 गुणज कहता तो उस समय पर 25 गुणे 1 25 गुणे 2 25 गुणे 3 25 गुणे 4 25 गुणे 5 25 गुणे 6। यदि प्रथम 8 गुणज कहता तो ऐसे 25 गुणे 1 25 गुणे 2 25 गुणे 3 25 गुणे 4 25 गुणे 5 25 गुणे 6 25 गुणे 7 25 गुणे 8। यानी जितनी गुणज कहता उतनी संख्या से हम उतनी संख्या तक गुणा करेंगे, ये है हमारा गुणज। फिर दूसरा परिभाषा में गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? तो गुणनखंड किसी दी हुई संख्या को पूर्णतया विभाजित करने वाली संख्या को दी हुई संख्या का एक गुणनखंड कहलाती है। किसी दी हुई संख्या को पूर्णतया विभाजित करने वाली मीन्स कोई भी संख्या दी हुई है, यदि उस संख्या को पूरा पूरा वो विभाजित यानी काट देती है, विभाजित करने वाली संख्या को दी हुई संख्या का एक गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड अवश्य होते हैं, कम से कम 2 गुणनखंड अवश्य होते हैं। एक पहला एक एक तो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड अवश्य होता है, और दूसरा उस संख्या का जिसका गुणनखंड निकाला जाता है दूसरी संख्या दूसरा गुणनखंड वह हो जाता है। यानी प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड अवश्य होते हैं, जिसमें पहला एक और दूसरा जिस संख्या का गुणनखंड निकाला जाता है दूसरा वो संख्या। तीसरा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड एक तथा स्वयं वह संख्या होते हैं,
अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मीन्स ऐसी संख्याएं हैं जिनके केवल दो गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या होते हैं, वही अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसको हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो केवल एक तथा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट है फोर, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनकी दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्याएं अथवा संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या का जस्ट अपोजिट है। भाज्य संख्या मीन्स ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, या दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा या एक तथा स्वयं के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं अथवा संयुक्त संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट फाइव है सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्याएं तो ऐसी संख्याएं जिनका सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका सबसे बड़ा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन दोनों में, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है, उसे ही हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। पॉइंट सिक्स, सम संख्याएं। सम संख्याएं मीन्स ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। मीन्स ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्याओं की इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आदि होता है। तो इस प्रकार जो संख्याएं दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाती हैं, उसे ही हम सम संख्याएं कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 आदि। फिर अगला है पॉइंट सेवन, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं सम संख्याओं का जस्ट अपोजिट होता है। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होने वाली संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। मीन्स ऐसी संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती हैं, उसे ही हम विषम संख्याएं कहते हैं। जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो पाती हैं, उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 आदि। विषम संख्याओं के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 आदि होता है। इस प्रकार ऐसी संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो पाती हैं, वही विषम संख्याएं होती है। पुनः अगला है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक जिसको हम संक्षेप में या शॉर्ट में म स प के नाम से भी जानते हैं। अब म स प क्या होता है? तो बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी हुई दो अथवा दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करती है, दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। इसे संक्षेप में म स प लिखा जाता है। मीन्स बड़ी से बड़ी वह संख्या, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी हुई
दो अथवा दो से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित यानी काट देती है। ऐसी संख्या दी हुई संख्याओं का महसव यानी महत्तम समापवर्तक कहलाती है। इसे संक्षेप में हम म स प भी लिखते हैं या पढ़ते हैं। नेक्स्ट है लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य जिसको हम शॉर्ट में ल स प के नाम से भी जानते हैं, ल स प के नाम से भी जानते हैं। अब ल स प क्या होता है? तो छोटी से छोटी वह संख्या जो दी हुई दो अथवा दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाज्य होती है, दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। मीन्स लघुत्तम समापवर्त्य यानी ल स प वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई दो अथवा दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, वही लॉस ऑफ यानी लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। इसे हम संक्षेप में लॉस ऑफ भी लिखते हैं और पढ़ते हैं। थैंक यू।